नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ 10 दिसंबर को गीता जयंती पर बना ये बड़ा योग इन उपायों से बदल जाएगी जिंदगी। इस बार 10 दिसंबर शनिवार को मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्री मद भागवत गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इसे गीता एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही शनिवार को एकादशी होने से इस दिन विशेष योग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन किए गए उपाय किसी की भी जिंदगी बदल देंगे। पहला, इस दिन सुबह ही अपने नज़दीकी कृष्ण मंदिर में जाएं तथा राधा कृष्ण की प्रतिमा को पीले रंग के फूलों की माला भेंट करें। पैसे संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो इस दिन गुलाब जल तथा केसर मिलाकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें, क्लेश समाप्त होंगे। घर पर खीर बनाएं, इस खीर में तुलसी के पत्ते डालकर कृष्ण को भोग लगाएं। इसी तरह एक अन्य कटोरी में बिना तुलसी के पत्ते डाले खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। साक्षात लक्ष्मी और नारायण दोनों ही कृपा प्राप्त होगी। समस्त कष्टों के निवारण हेतु इस दिन भगवान कृष्ण को पीले रंग की मिठाई, फल, वस्त्र आदि भेंट करें। भेंट की गई वस्तुएं जरूरतमंदों को बांट दें, जल्दी ही समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जॉब या बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए गीता जयंती से आरंभ कर अगले 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर खिलाएं, इसे तुरंत ही लाभ होगा। भगवान कृष्ण को एक पान का पत्ता भेंट करें। इस पत्ते पर रोली से श्री लिखकर अगले दिन यानी 11 दिसंबर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सातवां, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गीता जयंती से आरंभ कर अगले 21 दिनों तक रोजाना कृष्ण मंदिर में नारियल तथा बादाम भेंट करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन केले के 2 पेड़ लगाएं। इन पेड़ों पर लगने वाले केले स्वयं ना खाएं, वरन दान कर दें, इससे घर में पीढ़ियों के लिए अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा। नवा, घर में किसी भी तरह की प्रेत बाधा या भूत बाधा हो तो गीता एकादशी के दिन घर में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करवाएं तथा श्रीमद्भागवत गीता के ही 18वें पाठ का हवन करवाएं, इससे समस्त प्रकार के प्रेत बाधाएं तथा नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। दसवां, शाम को तुलसी के पौधे के नज़दीक ज्योत जलाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।